हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकोनिक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है टेकन्यूज नंबर 31। जी हाँ दोस्तों, हमने टेकन्यूज नंबर 30 मतलब टेकन्यूज 30 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब हमारी जो टेकन्यूज की रफ्तार है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आज की जो पहली टेकन्यूज आ रही है दोस्तों, वो आ रही है रेडमी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रेडमी की तरफ से मैंने आपको बताया था कि रेडमी की K40 सीरीज आने वाली है, और रेडमी K40 का ही हल्ला हो रहा था अभी तक। लेकिन मैं आपको बता दूँ, चाइना में Redmi K40, K40 Pro और K40 Pro Plus तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, और तीनों स्मार्टफोन की जो प्राइस है 22,000 रुपये से लेकर के 42,000 रुपये तक रखी गई है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो Redmi K40 सीरीज का जो बेस वेरिएंट है, मतलब कि जो सबसे छोटा वेरिएंट है, वो है Redmi K40 6GB 128GB वेरिएंट के साथ में UFS 3.1 का स्टोरेज और LPDDR5 की रैम, और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, मतलब कि स्नैपड्रैगन 865 से तो बढ़िया है ही, ये तो कंफर्म है। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिल रही है एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट बताया जा रहा है। तो देखते हैं क्या ये इस तरीके से आती है, या फिर IPS 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के तौर पे इंडिया में आती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बेस वेरिएंट है इसकी कीमत 22,000 रुपए है चाइना में, लेकिन ये इंडिया में आएगा तो 25,000 के समथिंग तो आप मान ही लीजिए। और इसमें जो कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा आपको पीछे, मतलब कि रियर में, वो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 48+8+5 मेगापिक्सल, और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल। देखते हैं दोस्तों कैसा ये स्मार्टफोन आता है, और पोको F2 के नाम से आता है या कैसे आता है, तो देखते हैं और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की तरफ से अभी आपको देखने को मिला था सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन, जो कि बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है उस प्राइस सेगमेंट में। लेकिन अगर बात करूं इसकी A सीरीज की, तो A सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 आने का वेट हो रहा है। लेकिन अगर बात करूं सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन की, तो ये रसिया में लॉन्च हुआ है, और साथ ही साथ ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। मतलब वेरिएंट इनके स्टोरेज या रैम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इसके 4G और 5G वेरिएंट की। ये सैमसंग गैलेक्सी A32 जो स्मार्टफोन है, जो 5G वाला है और जो 4G वाला है, इसमें बहुत सारी अंतर कर दिए गए हैं या डिफरेंसेस कर दिए गए हैं। और डिफरेंसेस ये हैं कि 4G वाले स्मार्टफोन में आपको भर भर के स्पेसिफिकेशन दे दी गई हैं, सिर्फ एक प्रोसेसर को छोड़ करके। प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर है। लेकिन अगर बात करूं इसके और भी अदर फीचर्स की, जैसे कि इसकी जो डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आती है, और कैमरा वगैरह बहुत सारी स्पेसिफिकेशन अच्छी अच्छी हैं। वहीं अगर बात करूं 5G वाले मॉडल की, तो 5G वाले मॉडल में बहुत सारी स्पेसिफिकेशन घटा दी गई हैं, क्योंकि उसमें 5G दिया गया है। हद है भाई, 5G देने का मतलब ये थोड़े ना कि तुम बाकी चीज़ों को घटा दोगे, थोड़ा प्राइस बढ़ा देते तो कोई नहीं। अभी तो रसिया में है, इंडिया में आता है नहीं आता, क्या नाम से आता है वो भी नहीं पता, तो देखते हैं क्या होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है Xiaomi और Realme की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Realme भी अपनी तरफ से 108 मेगापिक्सल का कैमरा ला रही है। अब इन दोनों की कड़ी टक्कर होने वाली है, मतलब कि Redmi Note 10 सीरीज में भी आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, वहीं Realme में भी आपको Realme 8 Pro में शायद से 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। इसका मतलब घमासान युद्ध होने वाला है कैमरा के मामले में। बेशक कितना भी कर दे मैं 108, लेकिन Google Pixel के 12 मेगापिक्सल से मात खा जाते हैं कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है पोको की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी भी 4G स्मार्टफोन खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप पोको M2 Pro खरीद सकते हैं, जो कि 4GB 64GB वेरिएंट के साथ में आपको 11,999 रुपये में देखने को मिला था लास्ट टाइम पे। लेकिन इस बार पोको ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है कि ये 10,999 में पड़ेगा इफेक्टिव प्राइस इसका, अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो, नहीं है तो फिर से 12,000 का ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कार्ड है, मतलब कि ICICI बैंक का कार्ड है, तो ये 10,999 में बहुत ही गजब डील हो जाती है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, जो कि बहुत ही गजब हो जाता है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है पबजी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पबजी की तरफ से बहुत सारे व्यूज ले जाते हैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के लोग, बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर है ना, इस वजह से मेरा भी बढ़वाओ यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, बात आती है पबजी पर, जो पबजी का जो न्यू स्टेट वर्जन है, या फिर कह सकते हो न्यू स्टेट नाम से जो गेम आया है, जो क्राफ्टॉन की तरफ से है, ना कि टेंसेंट की तरफ से, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो इंडिया में, वियतनाम में और चाइना में नहीं आ रहा है, ऐसी अनाउंसमेंट हुई है। अब ये क्या है क्या नहीं है, मतलब कि फिर बताया क्यों जा रहा था कि पबजी आएगा बेवजह ही, और इसी के नाम पे व्यूज लूटे जा रहे हैं। मतलब 1 मिलियन व्यूज, समझ सकते हो, थोड़ा सा यहाँ भी व्यूज दे दो।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है एंड्रॉइड 11 आने वाला है Redmi Note 9 Pro। अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसी सप्ताह के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 11 का अपडेट। और आपको एक वार्निंग है कि पोको, Realme, Xiaomi या फिर कह सकते हो MI A1 वगैरह वाली सीरीज जो थी, MI A2, MI A3, इन सब में जो अपडेट आ रहे हैं उनके साथ बहुत सारे बग आ रहे हैं। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जल्दी से इसको अपडेट मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, बग वगैरह फिक्स हो जाए उसके बाद अपडेट कर लीजिएगा। ये नहीं है कि अभी एंड्रॉइड 11 आया और हमने अपडेट कर लिया, पता पड़ा सारा का सारा डेटा उड़ गया। तो एक वार्निंग मैं दे चुका हूँ, वो बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का गैलेक्सी M31S जो स्मार्टफोन है वो जब लॉन्च हुआ था अपने उस प्राइस में बहुत अच्छा स्मार्टफोन था। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन है उसका प्राइस 1000 रुपए गिर गया है। अगर आपको अभी भी उसको खरीदने में इंटरेस्ट है तो खरीद सकते हैं, अच्छा स्मार्टफोन। लेकिन अगर आप 5G खरीदने वाले हैं तो आप Realme X7 पर जा सकते हैं। मैं Realme X7 ही बोलूंगा क्योंकि उसमें कई सारे बैंड्स हैं और एमोलेड डिस्प्ले है, 60Hz की डिस्प्ले है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 50W की फास्ट चार्जिंग, 5000mAh की बैटरी और क्या चाहिए आपको, सब चीज़ तो वो दे रहा है, तो बाकी आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आज की टेक्निक्स होती है कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साइड में बेल आइकन बन के आएगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।